नमस्कार दोस्तों, कुशवाहा इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग अपने क्लास के माध्यम से आप लोगों का ऑनलाइन क्लास भी दे रहे हैं। तो चलिए, आज का हमारा क्लास जो है कैपेसिटर का क्लास है, और इसका काम कैपेसिटर का मुख्य रूप से क्या होता है और कैसे काम करता है और किस प्रकार का होता है या कितने टाइप का होता है, तो चलिए आज ये बताने वाले हैं। हमारे स्टूडेंट के जरिए आप भी क्लास में जुड़े। तो कैपेसिटर जो है आज का टॉपिक है। देखिए, हमने दो कैपेसिटर आपको दिखा रहे हैं, एक बोर्ड का है और एक मोटर वगैरह का है। ठीक है, मोटर वगैरह में लगता है। तो ये हो गया आपका पोलर कैपेसिटर और ये हो जाएगा नॉन पोलर कैपेसिटर। ये हमेशा आपको इलेक्ट्रिक में लगेगा और ये हमेशा इलेक्ट्रॉनिक में लगेगा, यानी हमेशा डीसी में लगेगा और ये हमेशा मोटर वगैरह में लगेगा। ठीक है, तो आज यह क्या है, कैसा है, तो हम लोग कैपेसिटर के बारे में जानेंगे। ठीक है, यहाँ पे मिटा दें, कैपेसिटर। ठीक है, कैपेसिटर इसका काम एक वाटर टैंक के जैसा होता है। ठीक है, जो करंट करंट को फिल्टर करके स्मूथ बनाता है। अब ये कंडेंसर जो है, कैपेसिटर जो है, ये स्मूथ कैसे बनाता है, यह कंडेंसर जो है कैसे स्मूथ बनाता है, यह करंट को डीसी वाले करंट को निगेटिव में और पॉजिटिव वाले को पॉजिटिव में, निगेटिव वाले करंट को निगेटिव में और पॉजिटिव वाले करंट को पॉजिटिव में, यह फिल्टर करके आपको स्मूथ बनाता है, इजी बनाता है। अगर ये नहीं, ये पार्ट अगर नहीं रहे बोर्ड में, तो आपका कोई सुचारू रूप से आईसी को ऑपरेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यह दो प्रकार का होता है, इसका इट इज टू टाइप ऑफ कैपेसिटर, इट्स टू टाइप ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, तो एक में हो जाएगा पोलर कैपेसिटर, सिटर इसको आप पीसी भी बोल सकते हैं। ठीक है, और दो नंबर में लिख सकते हैं नॉन, NON नॉन कैपेसिटर, इनको NPC। ठीक है, पोलर कैपेसिटर और नॉन पोलर कैपेसिटर। तो ये देखिए, हमने ये जो कैपेसिटर जो देख रहे हैं, ये NPC है, ये हमेशा इलेक्ट्रिक में डायरेक्ट यूज होता है। ठीक है, और ये जो है हमेशा इलेक्ट्रॉनिक यानी DC में हमेशा यूज होता है। इसके बिना आप किसी IC को सुचारू रूप से चला नहीं सकते, ऑपरेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये होना एकदम अनिवार्य है। तो आगे चलते हैं नॉन पोलर, सॉरी पोलर, एक नंबर में पोलर कैपेसिटर, पोलर कैपेसिटर इसका आकार कैसा होता है। पोलर कैपेसिटर का सीटर, इसका यूज हमेशा DC में किया जाता है, इसका यूज हमेशा DC में किया जाता है। इसका रियल शेप के बारे में, रियल शेप
इसका आकार कैसा होता है? ठीक है, तो इसका आकार एक बेलना टाइप, बेलनाकार। ठीक है, प्लस नीचे माइनस। ठीक है, ऐसा भी होता है। उसके बाद कुछ कैपेसिटर ऐसे भी होते हैं। ठीक है, जो जिस साइड में ये घेरा रहेगा उस साइड में ये प्लस हो जाएगा, और जिस साइड में नहीं रहेगा उस साइड में भी माइनस और यहाँ भी प्लस। ठीक है, जिस साइड में ऐसा भी होता है। और कुछ SMD भी होते हैं, तो कुछ प्रकार होते हैं आपको दिख रहे थे, सेम SMD ऐसा ही होता है। ये पीला कलर का लगभग में होता है, किसी किसी बोर्ड में वो बहुत सारे में रहता है। सेम इसी प्रकार का होता है। ठीक है, तो ये भी प्लस हो जाएगा, भी प्लस भी माइनस। ठीक है, और आप ड्रम जो देखते हैं वैसा भी होता है। ठीक है, इस ड्रम की तरह भी होता है। तो यहाँ पे इसका निकाल लीजिए भी माइनस और भी प्लस, ऐसा भी होता है। अब इसका कलर की बात करें, यहाँ तक हो गया, नोट कर लिया आपको। ठीक है, तो SMD वाले कैपेसिटर को आपको दिखला दें। ये देखिए PF जो होते हैं ना, PF सेम उसी प्रकार का होता है। ये सब ये छोटे होते हैं PF की तरह, ये PF की तरह छोटा होता है। ठीक है, तो ये भी एक कैपेसिटर ही होता है, जो आपको एसकेलर में बहुत सारा एसकेलर जो बोर्ड होगा, पैनल पैनल के एसकेलर में आपको देखने को बहुत मिलेगा। चलिए इसको हम लोग इरेज करते हैं। ये वाले जो कैपेसिटर होते हैं, ये आपको बहुत सारे कलर में देखने को मिल जाएगा, ये ग्रीन भी, येलो भी, जो भी मिलेगा बहुत सारा मिलेगा। लेकिन जो SMD होता है, SMD कैपेसिटर, इसको आप पहचान सकते हैं या तो ब्लैक ब्लैक बॉडी या येलो बॉडी। SMD जो कैपेसिटर होगा आपको या तो ब्लैक में होगा या पीला बॉडी होगा। ठीक है, तो आप इसको देख लीजिए। अब इसका डिनोटिंग जो लेटर होगा, जैसे ऑन बोर्ड आपको कुछ लिखा होगा वो रहेगा, जैसे हम लोग यहाँ पर कैपेसिटर लिखा लगा हुआ है तो यहाँ पे कुछ सिंबल होगा, या इसको कुछ राइटिंग में कुछ लिखा होगा। डिनोटिंग लेटर जो होता है, डिनोटिंग लेटर, ठीक है, डिनोटिंग लेटर में सी रहेगा, ठीक है, टी सी रहेगा, उसके बाद टी सी रहेगा या यहाँ ई सी रहेगा। ठीक है, यानी सी कंपास लिया है, क्योंकि कैपेसिटर इसका नाम ही कैपेसिटर है। अच्छा, ऑन बोर्ड इसका सिंबल देखें, ऑन बोर्ड CIRCUIT सर्किट सिंबल, तो आपको इस तरह का गोलाकार मिलेगा जिसमें से आधा आपको घेरा रहेगा, और ऐसे ऐसे लकीर उसमें बहुत सारा रहता है। तो जिस साइड आपको लकीर रहेगा उस साइड आपको भी माइनस। ठीक है, और जिस साइड में अगर नहीं रहता है, ब्लैंक रहेगा, तो वो हो जाएगा भी प्लस। ठीक है, आपको फिर गोला ही टाइप मिलेगा, तो उसमें भी घेरा रहेगा।
तो उसमें कुछ ऐसे बिंदु रहेंगे, तो भी माइनस और भी प्लस, फिर ऐसे मिल जाएगा आपको गोलाकार। हो सकता है उसमें आपको घेरा नहीं हो, तो ऐसे भी मिल सकता है भी माइनस और भी प्लस। वहाँ पे ये आपको लिखा रहेगा कि भी माइनस की साइड में है और भी प्लस की साइड में है, ठीक है। कुछ में ऐसे भी होते हैं, गोल रहते हैं, ठीक है, और उसमें ऐसे घेरे हुए हैं, ठीक है। तो ऐसे स्क्वायर में ही दिया हुआ है, लेकिन उसमें ऐसे आपको लकीर मिल जाएगा। तो इसको आप भी माइनस और इस इधर वाले साइड को भी प्लस, तो इस तरह देख करके आपको समझ लेना है, ठीक है। इसका सर्किट सिंबल जो है कुछ इस तरह से दिया रहता है, CIRCUIT सर्किट सिंबल। ये हमेशा पावर पावर सप्लाई में आपको मिलेगा। तो देखिए ऐसे रहेगा, ये ठीक है। तो समझ लीजिए जिसका ये रहेगा, ये वाला, वो आपको भी माइनस रहेगा, और ये जो रहेगा भी प्लस, भी प्लस, ठीक है। तो ज़्यादा करके आपको ये पावर सप्लाई भी मिलेगा जहाँ आपको ज़्यादा वोल्टेज मिल रहा हो, ज़्यादा करके ऐसे सिंबल मिलता है, ठीक है। और इसके टेस्टिंग की बात करें तो चलिए इसका टेस्टिंग भी हम लोग जान लेते हैं। अगर वैल्यू हम लोग किसी कैपेसिटर को चेक करते हैं मल्टीमीटर से, तो वैल्यू आकर के तुरंत चला जाता है, तो वो कैपेसिटर अच्छा है। और उसको भी थोड़ा गहरी नज़र से भी देख लेना है कि यह कैपेसिटर जो कोई है वो फूल नहीं गया हो, या भड़क मतलब कि फूटा हुआ नहीं हो, डैमेज नहीं हो, ये भी ऐसा भी देख लेना है। और उसको मल्टीमीटर से आप एक ही चेक कर सकते हैं, शॉर्टिंग में रख करके बीप रेंज में, जैसे शटर टच कीजिएगा तो आपको मतलब ये कुछ वैल्यू आएगा और आके चला जाएगा। तो चलिए इसका टेस्टिंग भी हम लोग लिख ले रहे हैं और क्लास को समाप्त करते हैं। ये इस तरह था, भी प्लस और भी माइनस, ठीक है। तो इसका टेस्टिंग जो है, टेस्टिंग मल्टी मीटर, METAR मल्टी मीटर के बीप रेंज में करके चेक करने पर कुछ वैल्यू वैल्यू आकर चला जाए, तो कैपेसिटर ओके है, यानी ओके ठीक है। इसका मेजर यूनिट की बात करें तो माइक्रोफैरड होता है, ये सब कोई लगभग जानते हैं, MESOR मेजर यूनिट। इसका मेजर यूनिट की बात करें तो MF माइक्रो फैरड होता है, माइक्रो फैरड, ठीक है, माइक्रो फैरड होता है, ठीक है। या आप इसको MF शॉर्ट में कह सकते हैं, या एक ऐसे भी होता है, ठीक है, म्यू, और एक होता है एफ, म्यू एफ। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें। और चलिए आप सबके बहुत सारे ऐसे ऐसे वीडियो हमारे क्लास में चलती हैं, आपको दिखला दें, आपको भी ऑनलाइन क्लास मिलेगा।